वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस। आज मैं क्लास 12 का साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पत्र सेट कोड ये है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर का अंतर रहेगा, क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। तो जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन 1 से। रोसार्क परीक्षण है, इसका फर्स्ट का हो जाएगा बी, फर्स्ट का हो जाएगा बी आंसर। सेकेंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, इसका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस तरह का बुद्धि परीक्षण है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा, इसका बी। फोर्थ नंबर का, कुंठा आक्रमण सिद्धांत में किसने कुंठा को आक्रमण की जननी माना है, डोलार्ड को। क्वेश्चन नंबर फाइव, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है, इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, साक्षात्कार में कौन चरण नहीं है, प्रारंभिक तैयारी क्या है, प्रारंभिक तैयारी ए हो जाएगा। सेवन का, व्यक्तित्व के सिलगुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया, इसका आंसर हो जाएगा सेल्डन, बी, सेवन का बी। एट का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है, इसका हो जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नांकित में से कौन विशिष्ट बालक नहीं है, इसका हो जाएगा सामान्य बालक, बी। टेंथ का, निम्नलिखित में से किसे योग के पिता के रूप में आदर प्राप्त है, महर्षि पतंजलि, सी। टेंथ का सी हो जाएगा। इलेवेंथ नंबर, लियोन फेस्टिंगर ने संज्ञात्मक असंविदता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया, 1957, इलेवन का डी। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, निम्न में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, इसका हो जाएगा अनुमान, ट्वेल्व का डी। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, 13 का डी। 14 का, किसने व्यक्तित्व को टाइप ए प्रकार तथा टाइप बी प्रकार में बांटा है, क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा सी, फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन। क्वेश्चन 15, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का न्यूनतम पद्धति है, इसका हो जाएगा 15 का बी। 16 का, निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है, इसका परिवार हो जाएगा 16 का ए। 17 का, निम्न से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है, इसका 17 का सी, 17 का हो जाएगा सी। 18 का, किसने समूह के दो वर्ग प्राथमिक समूह और गौण समूह में बांटा है, इसका हो जाएगा कुरले, सी ऑप्शन। संज्ञानात्मक असंविता के तात्पर्य है, इसका हम कंफर्म नहीं है, इसका आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा, 19 का। 20 नंबर, चाटुकारिता पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां हैं, इसका हो जाएगा 20 का सी। 21 का, फ्रिट्ज हाइडर का संतुलन सिद्धांत या पॉक्स मॉडल में पी प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा अनुरूपता का निर्धारक है, इसका हो जाएगा 22 का ए। वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी रूप में हो सकता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण, तो इसका डी। 24 का, आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय क्या है, प्राणुभूति, इसका कंफर्म नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन अफीम से उत्पन्न औषध है, मार्फिन, हेरोइन, मेथाडोन, इनमें से सभी, 25 का डी, 25 का डी होगा। 26 का, मनोशल्य चिकित्सा पद्धति को किसने विकसित किया, इसका ऑप्शन नंबर 26 का बी। 27 का, विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया, 27 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, दूसरों के उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियां करते हैं, निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का यह खराब प्रभाव कहलाता है, 28 का ऑप्शन नंबर बी। 29 का, विद्यार्थी को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस से जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों का अपनाना आदि उदाहरण है, आज्ञा पालन, 29 का हो जाएगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन, जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर इससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे कहा जाता है व्यक्तिकरण, 30 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, इस किसने कहा है, इसका आंसर हो जाएगा टर्मन। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संस्कृत मुक्ति परीक्षण कौन सा है, इसका हो जाएगा इनमें से सभी, 32 का डी।
तैतीस का प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सूझ, 33 का ए। 34 नंबर क्वेश्चन, स्व के विभिन्न पक्ष की संख्या कितनी है? 8। स्व के विभिन्न पक्ष की संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर डी 35। निम्नांकित में से किसे स्व का पक्ष माना गया है? इसका हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 36 का टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रीडमैन ने। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक विकार है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 37 का डी। 38 निम्नांकित में से कौन सा संघर्ष समाधान युक्ति है? इनमें से सभी, ऑप्शन डी 38 का, ऑप्शन डी। 39 निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, शैक्षिक। 40 नंबर, सामूहिक अचेतन का किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए, बंदूरा ने कहा बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, परीक्षणात्मक अनुकूलन से। लास्ट क्वेश्चन 42, संवेदन मंदक औषधियाँ का मुख्य कार्य होता है विभ्रम उत्पन्न करना। ऑप्शन सी। प्लीज शेयर एंड लाइक, अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।